बॉलिंग कर रहे हैं तो विद द स्पिन खेलना काफी आसान हो सकता है, मगर उतने ही एक्सपीरियंस बॉलर है स्लीबा। एक ही रन मिलता हुआ, एडवांटेज नहीं ले पा रहे अभी तक। काफी सपोर्टर्स यहाँ पे अब केरला स्ट्राइक क्रिकेट टीम के, होम टीम है और उसके साथ साथ मुंबई हीरोज के भी। काफी खूबसूरत चेहरे मैदान में, चुछे सितारे जमीन पर आ चुके हो अजय। अपूर्ण अच्छा कार्य कर रहे हैं कि अब सीधे बल्ले से खेल रहे हैं और कहीं ना कहीं अब जो कनेक्शन है वो ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है। विद द स्पिन अब खेलने का प्रयास कर रहे हैं, बस एक चीज अब और जो उनको करनी होगी कि अब गैप ढूंढने होंगे जो बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। फिर से सीधे बल्ले से खेला, बढ़िया स्ट्राइक और यहां पे चार रन मिलेंगे। प्रयास बहुत बढ़िया था डीप में पर कोई मौका नहीं फील्डर के लिए। तेज गति से ये जाती हुई सीमा रेखा के बाहर, बहुत ही शानदार शॉट आफ्ताब द्वारा बिल्कुल अंपायर के सर के ऊपर से मारते हुए सीधा शॉट, बेहतरीन एग्जीक्यूशन, एक बाउंस की वाव शॉट, बूम चिका वावा चौका और बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, अच्छी वापसी कहना होगा सलीबा द्वारा। पहले तीन ओवर बहुत ही शानदार कार्य किया था, गेंदबाजी की शुरुआत की थी, अब नई गेंद से लगभग गेंदबाजी करना कभी भी आसान नहीं रहता किसी भी स्पिनर के लिए। शिव दसानी की बात करें 36 पे नाबाद, 33 गेंदों का सामना किया है, 3 चौके और 1 छक्का लगा चुके अपनी पारी में और इस बार क्लीन बोल्ड अक्रॉस लाइन खेलने का प्रयास अफताब शिव दसानी का और यहां पे एक और सफलता मिलती हुई स्लीबा को। कोशिश बेहतरीन थी और इस स्टेज में शॉट मारना बनता भी था, थोड़ी सी मिस्टेक कर गए, सर पहले उठा लिया, बॉल के ऊपर नजर नहीं रखी आखिर तक, इस वजह से बॉल को मिस कर दिया। मगर क्रेडिट देना होगा स्लीवा को जिसने बाउंड्री खाने के बाद भी अपना संतुलन नहीं खोया और एक विकेट जाती हुई। आफ्ताब शिव दसानी 36 रनों की अच्छी पारी खेलने के बाद पवेलियन लौटते हुए मुंबई इंडियंस, मुंबई हीरो का स्कोर 111 पे 4।